أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. महतरम सामिन इकराम, ये सूरतुल बकर है, ये सूरह आले इमरान है, इसका नवा रुकू आपके सामने तिलावत किया गया है। गुज़िश्ता भी इसी रुकू पर दर्स था, मिसाखुन नबीन से मुतालिक, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मिसाखुन नबीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिक़ लिमा मअकुम, तो उसी का ये तसलसल है और उसमें काफ़ी वजाहत हो चुकी थी। और इस आयत पे, चूंकि ये आयत भी बहुत ही जामे और बहुत पुर हकीकत वाली आयत है, और इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा अंज़िला अलैना वमा अंज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक, यानी कह दीजिए कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा अंज़िला अलैना और जो कुछ नाजिल हुआ हम पर, और वमा अंज़िला अला इब्राहीम और जो कुछ नाजिल हुआ इब्राहीम पर, इसहाक पर और याकूब पर, और इसी तरह नाजिल हुआ मूसा पर, ईसा पर और जितने भी अंबिया हैं, तमाम नबियों का, व नबियों मिन रब्बिहिम, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम रब की तरफ से आए अपने, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम, और हम किसी में फ़र्क नहीं करते उनमें से, व नहनु लहू मुस्लिमून, और के हम उसके लिए मुसलमान हैं, यानी मुस्लिमून ये तमाम पर ईमान लाने की वजह से हम मुस्लिम हैं अल्लाह पर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप पर नाजिल होने वाली किताब पर और नबियों पर और नबियों पर नाजिल होने वाले तमाम किताबों पर, और उसके बाद नहनु लहू मुस्लिमून कि हम किसी भी रसूल में फ़र्क नहीं करते और इसीलिए हम मुसलमान हैं। तो ये बहुत ही पुरमाना आयत है, इसी पर हज़रत साहिबुल आलम पंच शांति मार्ग यानि अमन आलम के पांच उसूल इसी आयत की बुनियाद पर क़ायम किए हैं, कि इसमें ऐसी जामे और अकमल दलाइल और हक़ायक़ अल्लाह ताला बयान फरमाया है कि मुसलमान सिर्फ एक नबी के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले हैं, और ना सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलाम पर बल्कि उन पर नाजिल शुदा तमाम किताबों पर, मलाइका पर ईमान लाने वाले हैं। तो ये ऐसे अमन के बुनियादी उसूल अल्लाह ताला इसमें बयान फरमाया है कि इससे किसी को भी छुटकारा नहीं है, इत्तेहाद, बैनुल अक़वामी इत्तेहाद क़ायम करने के लिए और बैनुल अक़वामी इंसानियत और बिरादरी को दुनिया में क़ायम करने के लिए ऐसे उसूल किसी मज़हब में है और ना किसी समाजी व सियासी जमातों में है, क्योंकि दुनिया मज़हब से अमन पाती है और जब भी दुनिया में अमन कायम हुआ है मज़हब ही से हुआ है, और मज़हब से हटकर इंसान जितने भी कोशिशें करे वो आर्जी है यानी टेम्परवरी है,
हमेशा अमन अमान कायम नहीं कर सकते। हम अमन कायम करने के लिए जो जो इंसानी जहन के उसूल दुनिया में बनाए गए और बाद में वो ख़त्म हुए और दूसरी कौम आई तो दूसरा क़ानून बनाए, लेकिन अल्लाह ताला का जो क़ानून है वो अटल है, हमेशा कायम रहने वाला है। और उसमें अल्लाह ताला सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए जज़्बी तौर पर अम्बिया अलैहिस्सलाम को एक एक कौम में, एक एक कबीले में और एक एक ज़बान में मबूस फरमाया। जब कौमों के अंदर दीन का शऊर पैदा हुआ और मज़हब की हकीकत जब उनके अंदर बेदार हुई, तो उसके बाद जामेल अम्बिया तमाम नबियों को इकट्ठा करने के लिए, जिस तरह इंसानों का इत्तेहाद है इसी तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम का भी इत्तेहाद है, सारे नबियों को एकजा करना और सारे नबियों की तस्दीक करना, ये बहुत बड़ा फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि एक नबी दूसरे नबी की तालीमात से जुदा होने की वजह से, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है उसमें जलाल पाया जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद आप फरमाते हैं कि तुमने सुना है कि तौरात में आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक, कान के बदले कान बदला लिया जाए, तौरात का ये क़ानून था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जालिम का मुकाबला ना किया जाए, बल्कि अगर कोई तुमको एक गाल पर तमाचा मारे, थप्पड़ मारे, तो दूसरा गाल पेश करे, और अगर कोई एक किलोमीटर चलने के लिए कहे तो तुम 2 किलोमीटर चलो, अगर कोट मांगे तो अंडरकोट यानी अंदर का शर्ट भी निकाल के दे दो। तो ये यानी रहम की तालीम ईसा अलैहिस्सलाम की थी, तो वो जुल्म का मुकाबला करने से मना करे कि जालिम का मुकाबला ना किया जाए, बल्कि उसको रहम और दरिया दिली के साथ, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ उससे पेश आए। ये ईसा अलैहिस्सलाम का नज़रिया था। लेकिन इस्लाम जलाल और जमाल दोनों का जामे है। आप पर अगर कोई ज़्यादती करे तो आप भी उसके साथ ज़्यादती कर सकते हैं, यानी उसका मुकाबला कर सकते हैं, उससे जंग लड़ सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी ज़्यादती करने वाले को माफ़ कर दिए तो ये तुम्हारे लिए और बेहतर है। तो इंसान की फितरत भी ऐसी है कि इंसान अगर चाहे तो वह माफ़ कर देता, या नहीं अगर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसका मुकाबला करता, उसको जो है मारने की कोशिश करता, बदला लेने की कोशिश करता। और बदला लेने में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि क़िसास में ज़िंदगी है। क़िसास यानी अगर तुम पर अगर कोई ज़ुल्म करे तो उसका मुकाबला करना, क़िसास लेना, ये इसमें हयात है। वरना ज़ालिमों का ज़ुल्म बढ़ता जाएगा, आप चाहे कितनी भी रहम की बात करें वो आपको रोनते जाएंगे, खुंदलते जाएंगे। तो इस वजह से ज़ालिमों का मुकाबला करना भी सबसे बड़ा मज़हब है, मज़हबी फरीज़ा है। तो इस्लाम दोनों का जामे है। तो इसलिए यहाँ पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों की आप तस्दीक करना, ये सिवाय हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी नबी की ऐसी शान नहीं है। और अल्लाह ताला जैसे फरमाता है कि कुल आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, सबसे बुनियाद अल्लाह पर ईमान लाने में मज़हब की जो बुनियाद है वो तौहीद बारी ताला है। तो तौहीद का सबसे पहले अल्लाह ताला इसमें जिक्र किया, इसी को हिंदू धर्म के अंदर एक देव की उपासना करना, यानी परमात्मा एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म एक ही है दूसरा नहीं है। तो इस तरह तौहीद का जिक्र यहाँ के वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, गीता में, हर एक यहाँ की मजहबी किताब में मिलता, और वो तौहीद के अलम्बरदार थे। खुद जो है कृष्ण जी भगवद गीता में कहते हैं कि यान्ति देवर्ता देवा पित्र नयान्ति पित्र वर्ता भूते नयान्ति भूते जा मध्यापि नोपि माम, यानी जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतों में मर के भूतों में मिल जाएगा, लेकिन जो खुदा की इबादत करने वाला है वो जो मेरी यानी खुदा कहता है कि जो मेरी इबादत करता है वो मुझसे मिलता है, मध्यापि नोपि माम। तो इसी तरह वेदों के अंदर भी खुदा वादहु ला शरीक का तस्करा, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, एकम सत्वी प्राह बहुधा वदंती। तो या और इसी तरह पुराणों के अंदर और उपनिषदों के अंदर खुदा जो है एक तौहीद का जो है कसरत से जिक्र और तस्करा किया गया है, और उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर मूर्ति पूजा करते, पत्थरों की जो है परस्तिश करते। तो ये लोग जो है खुद यहाँ कहा गया है कि ना काष्ठे विद्यते देवा, ना पाषाण मन में भावे न विद्यते देवा, यद भाव तद भवती, खुदा ना लकड़ी में मिलता है, ना मिट्टी में, मिट्टी के अज्जा में, ना पत्थर में, बल्कि वह भाव से
यानी ईमान से, और जो है ना जिस तरह इंसान गौर करता है और जिस तरह उस पर ईमान लाता है उसी तरह खुदा की मारिफत उसको हासिल होती है। तो ये जो है एक जगदीश्वर, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम की जो बात है, इस्लाम तौहीद को कायम करने के लिए, दुनिया में अगर तौहीद का अलंबरदार कोई मजहब है, कोई दीन है, तो इस्लाम है। इस्लाम में 1400 साल से आज तक तौहीद पर इतना मुसलमान जो है मजबूती से कायम है कि किसी भी मस्जिद की, छोटी सी छोटी देहात की मस्जिद पर, मस्जिद में कोई मूर्ति देखने को नजर नहीं आती, और ना कोई एक किसी घड़ी पर एक मूर्ति की फोटो तक जो है वहां पर चिपकी हुई अगर देखे तो मुसलमान जो है ना उसको फोड़ देते हैं। तो इतना जो है गैरत इसलिए है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप माही अल बतलान बन के आए। माही अल बतलान का माना है कि बुतों की परस्तिश को बुनियादी तौर पर यानी जड़ बुनियाद से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना। और इसी का तस्कर अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमाता है, कुल जाल हक मा युब्दिल बातिल व मा युईद, यानी हक आने के बाद बातिल का खात्मा लाजिम है, बातिल को जो है ना जाना ही है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के बाद में बुतपरस्ती का पूरा जो है जड़ बुनियाद से खात्मा, इस्लाम में कोई जो है ना बुतपरस्ती का जो है तस्वर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे मजाहब में जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतपरस्ती के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में उनकी उम्मत या उनके चाहने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बना के पूजा करना शुरू करे, तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के खाने के सख्त ईसा अलैहिस्सलाम मूर्तियों की या बातिल खुदा की परस्तिश करने को सख्त मना करें कि खुदा एक ही वादा हुला शरीक है। ईसा अलैहिस्सलाम का जो है ऐलान था, आपकी तालीमा थी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो है तसरीस परस्त हो गए, और दूसरी चीज़ है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्तियाँ बनाकर चर्चों में रखना शुरू करे, मरियम की मूर्तियाँ बनाकर चर्चों में रखना शुरू करे। हालांकि वो कहते हैं कि पूजा नहीं करते, लेकिन लोगों की जो है दिल उसकी तरफ जो है ना मायल हो जाते और वो बुतपरस्ती का एक जो है दरवाज़ा खोल दिए। तो इस तरह जो बुतपरस्त कौम है उनके लिए ऐसे जो है ना रास्ते हमवार कर देना और उनके उनके लिए दरवाजे खोल देना, ये बुतपरस्ती की तरफ जो है बढ़ावा देने के मुमासिल है। तो खुल आमन्ना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने, अल्लाह पर ईमान लाने का माना यह है कि जो है एक ही खुदा को जो है ना सारी इंसानियत उसकी इबादत करे, उसके दरबार में खड़े हो, और जो बातिल परस्ती है उसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ पर एको जगदीश्वर रहा, एको जगदीश्वर के मतलब सारे जगत का ईश्वर एक ही है, और उसके हर मजहब के अंदर जो है बेहिसाब दलाल है। बसवेश्वर लिंगायत मजहब में जो बसवेश्वर की बहुत बड़ी अहमियत है, बसवेश्वर जो है ना लिंगायत धर्म के रूहे रवा हैं। आप फरमाते हैं कि देव नब्बनु नामा हलो, अल्लाह एक ही है, अनेक उसके नाम हैं, अनेक नामों से जिस तरह एक वेद के अंदर आए कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, इसी तरह जो है बसवेश्वर के काल ज्ञान में भी यही कहा गया कि देव नब्बनु नामा हलो, ये अल्लाह एक है, उसके अनेक नाम हैं, अनेक नामों से उसको याद किया जाता है। तो इस तरह जो है हिंदुस्तान के तमाम मजाहब के अंदर, तमाम मजहबों में, धर्मों में अल्लाह की तौहीद को बयान किया गया है, लेकिन सारी इंसानियत को जमाने का सामान जो इस्लाम बयान फरमाया वो किसी मजहब के अंदर नहीं। तो दूसरा जो है कुल अमन बिल्लाह मा अंज़िला अलैना व मा अंज़िला अला इब्राहिम व मा अंज़िला अलैना में, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ आप पर ईमान लाना है, और आप पर जो नाजिल हुआ कलाम पाक कुरान करीम उस पर भी ईमान लाना है। तो ये व मा अंज़िला अलैना में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिंदा कुरान हैं, मुजस्सिम कुरान हैं, आप खुद जो है ना कुरान पाक हैं, चलता फिरता बोलता हुआ कुरान, नातिख कुरान। तो कुरान करीम आप पर ईमान लाना, कुरान करीम पर ईमान लाना, इसमें कोई जो है दुई नहीं है, अलहदगी नहीं है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही मुजस्सिम कुरान है, नातिख कुरान है, और आमिले कुरान है, हामिले कुरान है, कुरान आपके वजूद पर है, यानी आपसे जो है कुरान करीम का जहूर है। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, एक मोमिन का वजूद जो है वो मुजस्सिम कुरान बन सकता है। तो ये दरहकीकत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सिम कुरान होने की वजह से है, आप जो है जिंदा कुरान थे, बोलता हुआ कुरान,
तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वलकद अनजलना इलैकुम जिक्र रसूला, के तहकीक हमने तुम्हारी तरफ जिक्र करता हुआ रसूल को जो है ना उतारा, नाजिल किया, यानी जिस तरह कुरान को उतारा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला नाजिल फरमाया। मतलब जो है ना जिस तरह अजमत कुरान पाक की है यानी नजुल के एतबार से, ऐसा ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल करना, मबूस करना, ये जो है बहुत मुकद्दस जो है ना जुमला है, मुकद्दस अल्फाज है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला बयान फरमाता है। क्योंकि खिलकत में और जो है ना बेसत और नुजूल में बहुत बड़ा फर्क है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा है, यानी पैदा करने का अल्लाह ताला कुरान पाक में कहीं जिक्र नहीं किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, भेजने का जिक्र करता है अल्लाह, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन, हमने नहीं भेजा आपको मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर, यानी सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो भेजा किसको जाता है? जो पहले से मौजूद हो उसको जो है दुनिया में भेजा जाता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से मौजूद थे, अना मिन नूरुल्लाहि कुल्लु शैइ मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और मेरे नूर से कायनात, तो कायनात से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अकदस है। तो आप पर जो है ईमान लाना और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, ये दूसरा मियार बताए कि जो पंच शांति मार्ग हजरत साहब आलम बयान फरमाए, जो क्योंकि पंच शांति मार्ग संस्कृत जुमला बोलने से लोगों को ये मालूम होता है कि ये हिंदुओं के कुछ जो है ना, एको जगदीश पर रहा, एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्यहा, सर्व धर्म ग्रंथ सत्यहा, सम्मेल प्रार्थना। तो अब ये जो फंडामेंटल्स है, लोग ये समझते हैं कि जो है एको जगत ईश्वरा, एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्या, सर्व धर्म ग्रंथ सत्या, सम्मेल प्रार्थना, तो ये हिंदुओं के मजहबी किताबों से लिए गए। ये हिंदुओं की मजहबी किताबों से नहीं बल्कि कुरान पाक की बुनियाद पर ये जो है ना तालीमात रखे गए। अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लोगों को उनको इस्लाम की तरफ समझाना, मायल करना, इस्लाम की अजमत बताना, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत बताना है, इस वजह से संस्कृत अल्फाज को इस्तेमाल करना जरूरी है। संस्कृत जो है ना, आप जो है ना फंडामेंटल्स को या संस्कृत जो है ना टर्म्स को अगर यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो लोग मुतवज्जो होंगे, क्योंकि लोगों को तवज्जो करने के लिए और इस्लाम की तरफ जो है रागिब करने के लिए, बुलाने के लिए, उनकी आस्था को और उनकी जबान को और उनके लब लहजे को समझना बहुत जरूरी है। जब तक कि आप जो है ना उनके आस्था यानी जो धर्म की भक्ति है, जो प्रेम है, मोहब्बत है, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आप सही रास्ते की तरफ लेके नहीं आ सकते। बहुत से चीजें ऐसे होते हैं कि जबान का फर्क होने की वजह से वह हकीकत तो अपनी जगह कायम है, लेकिन जबानी जो है ना अल्फाज अलग होने की वजह से लोग जो है ना बहुत से अख्तलाफात में पड़ जाते हैं। ये हिंदुओं का, जैसे अगर कोई पानी को अगर नीर बोले तो अगर ये समझे कि ये नीर जो है ना हिंदुओं का है और पानी मुसलमानों का है, तो इस तरह जो है आदमी ये महदूद जहन का कहलाएगा कि इसका जहन महदूद है, क्योंकि एक ही चीज को हजारों जबानों में हजार तरीके से जो है ना उसको बोला जाता है। और यही बात जो है ना बसवेश्वर अपनी किताब में बयान फरमाए कि देवन बनु नामा हलो, अल्लाह एक है, उसके हलो नाम से, मतलब जो है ना अनेक नामों से उसको जो है उसको याद किया गया, बुलाया गया। तो ऐसा जो है इस्लाम की बात, अगर क्योंकि एक हो जगदीश्वर, अल्लाह एक है, सारे कायनात का खालिक और मालिक एक है, रब्बुल आलमीन है, कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का रब जो है ना वो अल्लाह है और एक वादहु ला शरीक है। तो इसी को अगर संस्कृत में कहा जाए कि जगत का ईश्वर एक है, तो कोई ये जो है ना दो बातें नहीं होते कि ईश्वर कहने से हिंदुओं का हो गया, अल्लाह कहने से मुसलमानों का हो गया, गॉड कहने से क्रिश्चियनों का हो गया, ऐसे जो है ना तफरीक इन जाहिल लोग कर सकते हैं। लेकिन जो जानने वाले हैं और जो है फरीस लोग, फिरासत वाले, समझने वाले, समझदार लोग हैं, उनके अंदर कभी भी जो है ये अख्तलाफ नहीं पैदा हो सकता। तो एक वो जगदीश्वर कहते ही मुसलमान ये समझते हैं कि हिंदुओं के अकीदे जो है ना लोग जो बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं की जो है ना तत्व को जो है ना बयान कर रहे हैं, ये बल्कि जो है ये कुरान करीम का अल्लाह ताला का फरमान है, कुल आमन्ना बिल्लाह, के अल्लाह पर ईमान लाओ, ये अल्लाह पर ईमान लाओ बोलना, या ईश्वर पर आस्था रखो, जगदीश्वर जो सारे जगत का ईश्वर एक है, ये जो है ना दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन जो है अगर अमली एतबार से, क्योंकि जबान से तो कहते हैं लेकिन समझाने वाले की जरूरत जो है ना, समझा कर जो है ना उनको सही रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है। तो अब जो है ना ईश्वर तो सारी कायनात का है, ब्रह्मांड का है, लेकिन हिंदुओं का यह अकीदा है कि जो भी अवतार आते हैं,
ऋषि आते, मुनि आते, वो भारत देश में आते। भारत के लोगों को जो अवतार पुरुष या साधु संत आए हैं वो सिवाय अरबस्तान के दूसरे देश की जो है अवतारों को मानने के लिए आगे नहीं बढ़ते। जैसे मूसा अलैहि सलाम है, ईसा अलैहि सलाम है, दाऊद अलैहि सलाम है, इब्राहिम अलैहि सलाम है। हिंदू जो है ना इस पर आस्था नहीं रखते, ये हमारे हमारे जो है ना नबी नहीं आते, ये मुसलमानों के हैं, इस तरह समझते हैं। और मुसलमानों के अंदर भी ये गलतफहमी है, जो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो अवतार पुरुष आए हैं वो जो है वो हिंदुओं के, मुसलमानों के नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वह इमिन उम्मतिन इल्ला खलाफिया नजीर, वह इमिन उम्मतिन यानी हमने हर उम्मत में खला जो है ना नजीर को भेजा है, कोई जगह जो है ना खाली नहीं रखा अल्लाह ताला, हर जगह। और वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी लियुबज्जिन लहुम, हमने हर कौम में रसूलों को उनकी जबान में भेजा है, उन्हीं की जबान में। अगर संस्कृत जबान थी यहाँ पर तो संस्कृत जबान में आए, पाली जबान थी तो पाली जबान में आए, फारसी जबान थी तो फारसी जबान में आए। सारे अंबिया अरबी जबान में नहीं है, सारे नबी जो है ना वो अरबी जबान में नहीं है, बल्कि जो है हर एक जहां जहां जो जो कौम जिस जबान की जो है ना बोलने वाली थी उस जबान में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो ये जो है यहाँ पर हकीकत है कि कुल आमन बिल अल्लाह को मानना, यानी अल्लाह आलमगीर है, बोलना तो जबान से बोल देते कि सारी कायनात का है, सारी जो है ना दुनिया के लिए अल्लाह रब एक है, जैसा ईश्वर एक है, लेकिन जो है अकीदे के जब बात आ जाती तो दूसरों को अपना नहीं समझते, पराया समझते। अरबस्तान में अगर कोई आया तो वो जो है ना अरबस्तान वालों का है, ईरान में अगर कोई आया तो ईरान वालों का है। तो ये जो है जबकि ईश्वर सारी कायनात का हम इकरार कर रहे हैं, तो हर जगह जो अवतारों को सत्पुरुषों को भेजने वाला है वो ईश्वर ही तो है, उसी की जो है ना आस्था हमारे दिल में रखना है और उसी को जो है ना मानना है। कि अरे जिनके जबान के फर्क को अगर निकाल देंगे, जबान की जो है भेद को अगर निकाल देंगे, तो हम सब इंसान एक है, सारे इंसान की खिलकत एक जैसी है, चाहे अफ्रीका का रहने वाला हो या अमेरिका का रहने वाला हो, उसको दो हाथ रहेंगे, सर रहेगा, दो आंख रहेंगे, जैसे इंसान की जसामत है वैसे जो है अमेरिका में रहने वाला भी वही जसामत का है, और जो है ना हिंदुस्तान में रहने वाला भी इसी के कुछ जो है ना आबो हवा की वजह से कुछ काले गोरे हो जाते हैं, कुछ ताकत की वजह से लंबे और जो है ना गिड्ढे हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की खिलकत अलग है। जैसे शेर है, हर मुल्क में कई कई जो है ना ममालिक में कई किस्म के शेर होते हैं, कई किस्म के घोड़े होते हैं, कई किस्म के बैल होते हैं, कई किस्म के भैंसे होते हैं, बकरे अलग अलग जो है ना किस्म के, लेकिन बकरे की जात तो एक ही मानते हैं। चाहे किसी भी जो है स्टेट का हो या किसी भी मुल्क का हो या कहीं का भी अगर वो जो है ना बकरा है तो वो उसके अलग अलग जो है ना उसके अकसाम होते, लेकिन उसकी जो नस्ल है या उसकी जो है ना उसकी जो जात है बकरे की, वो बकरे की एक ही जात है। बकरा घोड़ा नहीं हो जाता, या घोड़ा जो है ना ऊंट नहीं हो जाता, ऊंट जो है ना बैल नहीं हो जाता। तो इसी तरह इंसानों के अंदर भी कुछ अकसाम है, कोई काला है, कोई गोरा है, और कोई जो है ना मोटा है, तो कोई दुबला पतला है, तो ये अलग अलग जो है ना उसके अकसाम है, लेकिन जात जो है ना इंसान की एक ही है, इसके अंदर कोई जो है ना जात का भेदभाव नहीं है। चाहे आप अमेरिका की जो है ना औरत से निकाह करें, या इंडोनेशिया की औरत से निकाह करें, या हिंदुस्तान की औरत से निकाह करें, आपको जो है ना औलाद होगी, वही जो है ना जो जिस अमेरिका के औरतों में रहते हैं वही जो ना हिंदुस्तान के अंदर होते हैं। तो इस तरह जो है इंसान में कोई जात नहीं है, इंसान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि सबका पैदा करने वाला खालिक और मालिक परमात्मा परमेश्वर वह एक है, और वह अपनी तरह से अनेक जो है ना अवतारों को सत्पुरुषों को दुनिया के अंदर भेजा है। तो इसको जो है सारे अवतारों को मानना जरूरी है, लेकिन सारे अवतारों को मानने का संविधान मतलब कानून किसी मजहब वालों के पास नहीं। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत यही है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आने के बाद सिर्फ आप जो है ना अल्लाह को अपने वजूद को नहीं मनवाए, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के साथ वो तमाम साबिका अंबिया पर ईमान लाना फर्ज करार दिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल आमना बिल्लाह व मा अंज़ला अलैना, उसके बाद वमा अंज़ला अला इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब ईसा मूसा व नबियों ना मेरे रब हम, और तमाम नबियों को मानो, ये तमाम जो है अल्लाह की तरफ से है। अब हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत से लोग जो है ये बात जो है ना अपने मजहब के एतबार से करते हैं कि हम भी जो है सबको मानते हैं, सर्वदेव नमस्कार कहते हैं, हम सबको जो है ना नमस्कार करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो भी आए हम जो है ना सबको स्वागत करें, सबका वेलकम करें, और सबको हिंदू मजहब जो है ना हिंदू मजहब का माना यह है कि सब पर जो है ना आस्था रखना, सब कुछ है एक्सेप्ट करना, सब कुछ सबकी जो है ना अपने अंदर हमदर्दी रखना।
तो ये अगर ये जो है इंसानों के अपने जबानों की बात है कि मजहबी सिद्धांत में नहीं है, मजहबी जो है ना उसूल में नहीं है कि आप मानो। बहुत से लोग जो है मानते भी हैं, इनकार भी करते हैं, लेकिन मजहबी दलाइल से अगर कोई मानने के लिए अगर खड़ा हो जाए तो उसके लिए कोई इनकार की गुंजाइश नहीं होती। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये बुनियादी उसूल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला जिक्र कर दिया, कुल आमना बिला व मानजिला अलैना व मानजिला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, तमाम नबियों को मानो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, आप पर ईमान लाओ और अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाजिल हुई थी उन पर ईमान लाओ। सब अपने आप को अपना 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 जो है ना भाई समझो सबको, सम्माकुम मुस्लिमीन, तुम सब जो है ना वकाना नास उम्मतुन वाहिदा, तुम एक जो है ना उम्मत हो, सब जो है ना इकट्ठे होके इबादत करो। ये कुरान में आदेश होने की वजह से यानी उसूल होने की वजह से कोई भी मुसलमान इसके खिलाफ नहीं बोल सकता। ऐसे उसूल किसी दूसरी किताब में नहीं है। जैसा ईसा अलैहिस्सलाम, आप जो है ना इंजील के अंदर है कि मेरे मुझसे पहले जितने भी ऐसा चोर और डाकू थे, ऐसी बात जो है। और एक बात यह भी है कि जब जो है नबियों को मान रहे हैं, अल्लाह की तरफ से आने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे हैं, तो जब जो है ना वो नबी पाक हो और अल्लाह ताला जो है ना उनकी पाकी बयान करा और हम जो है ना उन पे गलत इल्जामात लगाएं और उसको बुरा बोले, जो कौम अपने नबी को जो है ना सच्चा और रूहानी रहबर समझ रही है और हम अगर उसकी बुराई करें तो लोगों के दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा हो सकती। तो दूसरे हमारे नबी को बहुत जो है ना वो इज्जत देकर बात करे और दूसरे नबी की बुराई बयान करे, तो ये कैसे जो है ना इत्तेहाद कायम हो सकता है। इत्तेहाद कायम होने के लिए सबकी जो है ना पाकी की तस्दीक करना बहुत जरूरी है। तो इस्लाम जो है कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुल्लु मिनस सालिहीन, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम है वो सालिहीन है, नेक है और जो है ना बेगुनाह है, उनसे गुनाह सरजद नहीं होते थे और वो बुराई नहीं करते थे। तो ये कुरान जो है ना तस्दीक किया। अगर आप बाइबल पढ़ के देखेंगे तो बाइबल में जो है ना न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट में भी देखेंगे नबियों पर बहुत बेतरीख जो है ना और जो है ना बेजा इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए, ऐसे ऐसे इल्जाम कि आपको पढ़कर जो है ना शर्म जो है ना शर्म को शर्म आ जाएगी, ऐसे इल्जाम जो है ना उन पर लगाए गए। तो कैसे जो है जबकि किसी एक जो है अवतार का मानने वाला उसको जो है ना बेगुनाह समझ रहा है और अपना जो है ना नजात दहिंदा समझ रहा है और उस पर उसको जो है ना मजहबी रास्ता बताने वाला रूहानी रहबर समझ रहा है और आप उसके मुतालिक अगर बुराई बयान करें तो कैसे जो है दुनिया के अंदर इत्तेहाद, वो कौम के दिलों में मोहब्बत कैसा पैदा हो सकती है। तो कुरान करीम के ऐसे उसूल है कि कुरान करीम का ये ऐलान है कुल्लू मिनस सालिहीन, वो सब जो है ना सालिहीन है। अगर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं तो कुरान जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पर बहुत से इल्जाम लगाए गए थे, कुरान करीम उन सारे इल्जामों को जो है ना बरी करता है यानी जो है ना धो देता है। उनके जो इल्जाम लगाए गए थे वो इल्जाम को कुरान करीम धो दिया। वजी हाफिज दुनिया वाल आखिरा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वजाहत दुनिया में भी बुलंद है और आखिरत में भी बुलंद है, कोई आप पर जो है ना तोहमत नहीं लगा सकता। जब कुरान जो है ना इस बात की तस्दीक करा तो किसी भी मुसलमान के दिल में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरी जो है ना बात या बुरा ख्याल ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं आ सकता। तो इस बात से कि बनी इसराइल भी बहुत से नबियों को मानते थे या ईसाई भी बहुत से नबियों को मानते हैं, तो उनके मानने में जो है वो ये नहीं कि जो है वो नबियों को सच्चे और जो है उनके अंदर गुनाह नहीं है ऐसा, बल्कि उनको गुनाह लगाकर उनको जो है ना बुरे अंदाज में जो है दुनिया के सामने पेश करते हैं। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम एक ही जो है ना गुनाह से मुबर्रा है, लेकिन कुरान करीम का जो है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इब्राहिम का जिक्र कीजिए कुरान पाक में कि वह सिद्दीक नबी थे, सच बोलने वाले थे, झूठ का शायबा आपके अंदर नहीं था, किसी भी नबी में जो है झूठ जो है ना शामिल नहीं था, वह सही रास्ता सच्चाई का रास्ता दुनिया को बताने के लिए आए थे। तो एक हो जगदीश्वरा यानी सारे जगत का ईश्वर परमात्मा रब्बुल आलमीन वो एक है। ये जो है भाषा के भेद को निकालना चाहिए और भाषा के भेद को हम जब निकालेंगे, उनको समझाएंगे, श्लोक मंत्र जब पढ़ते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये हिंदुओं का है और कुरान पढ़ते हैं तो इस समय ये जो है ना कहते हैं कि मुसलमानों का है। ये जो है जबान अलग होने की वजह से ये जो है ना दो तरीके अलग नजर आ रहे, तो हालांकि इसका माना एक ही है, एक ब्रह्म बोलो या खुदाए वादा वाहिद ला शरीक लहू कहो, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका कि अल्लाह बिना ना पूजते, अल्लाह के बिना जो है किसी की पूजा ना की जाए, ये तौहीद है और ये तौहीद का तस्करा जो है यहाँ के मजहबी किताबों में है।
और यही तौहीद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगत गुरु मानना जो है ना इसलिए जरूरी है कि आपके नेतृत्व में यानी आपकी जो है आपके इमामत में या हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में सारे नबियों की इज्जत कायम की गई है। कोई ऐसा नबी नहीं है जो अपने दरबार में सारे नबियों को बिठाकर उन पर ईमान लाने का जो है लोगों को आदेश देता हो, हुक्म देता हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने अंबिया अलैहि सलाम हैं सब पर तुम जो है ना ईमान लाना जरूरी है। और यहाँ के अगर कोई हिंदू कहते हैं कि हम सबको मानते हैं तो ये उनके मुंह की बात है, कोई वेद का मंत्र नहीं है, कोई गीता का जो है ना श्लोक नहीं है। बाज लोग जो है ना सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति कहते हैं केशव, इस ये तो जो है ना गीता का श्लोक नहीं है। कुछ लोग गीता की भक्ति में लिखे, अपने जो है ना मुंह की बात है, ना गीता का है ना वेद के अंदर है। सारे जो है ना अवतारों को मानने का, आप वैदिक सिद्धांत में तो जो आर्य समाज हो तो अवतारों की जो है ना कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं, ऋषियों को मानते हैं, ऋषियों को भी वो जो है वो अपने ऋषियों को मानते हैं। दूसरे अगर किसी जो है ना देश में आए हुए हैं, हालांकि सारे ब्रह्मांड का ईश जो है ना बेस सारे विश्व के लिए है, ये जो है कहने वाले कहते हैं कि मगर उनका एक आर्यावर्त का जो इलाका है यहाँ पर जो है ना वेद का जो पाठ करने का या वेद की जो है अध्ययन का या वेद का जो है संदेश पहुंचाने का जो एरिया है वो जिसको आर्यावर्त बना दिया कि भारत ही जो है ना ये सबसे बड़ा धार्मिक देश है, भारत के अंदर ही धर्म है। भारत धार्मिक देश है जरूर, लेकिन जो है भारत ही है, दूसरे देश नहीं है, ये बोलना गलत है। क्योंकि जो है धर्म का जो संविधान है वो सारी कायनात के लिए होता है, सारे विश्व के लिए होता है, एक देश के लिए नहीं होता। तो इस धर्म को अगर दूसरी जबान में मजहब या जो है उसको इस्लाम कहा जाए तो इसमें कोई द्वी नहीं है। और एक बात जो है ना आर्य समाज या बाज हिंदू जो सनातनी वो भी उठाते हैं कि धर्म एक होता है, अनेक नहीं होता, और धर्म जो है ना सिर्फ जो है ना यहाँ का वैदिक धर्म है, दूसरा धर्म नहीं होता, ये बात जो है ना गलत है। धर्म जो है कि जैसे वेदों के अंदर भी आया है कि जनवी पिता तो बहुधा विभावचसम नाना धर्मा नाम पृथ्वी यथो कसम, ये जो है अथर्ववेद का मंत्र, अथर्ववेद जो है ना उसमें 12:45 तो उसमें जो है अथर्ववेद के अंदर ये लिखा हुआ है कि जनविभ्रत बहुधा विवाचसम, लोग जो है ना जन जो है ना बहुधा विवाच बहुत से भाषाएं करते थे, बहुत से अनेक जो है ना भाषाओं में बात करते थे। विवाचसम नाना धर्मानाम, नाना धर्म जो है ना अनेक प्रकार के धर्म थे, अनेक जो है ना प्रकार के धर्म थे। जनवि बहुधा विवाचसम नाना धर्म पृथ्वी यथो कसम, यानी अनेक जो है वो प्रकार के धर्म भी, अनेक जो है ना उन्नति के धर्म भी थे यहाँ पर। तो अब ये बात बोलना कि धर्म एक ही होता है तो नाना धर्म का शब्द जो है ना वेद के अंदर आया, और इसी तरह भगवद गीता के अंदर सर्वधर्मानाम प्रत्यज्य मामेकम शरणम, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, सर्वधर्मान यानी सारे धर्म का जो है इसको छोड़कर मेरे धर्म में आ जा या जो है ना मेरी शरण में आ जा। कृष्ण जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मुझे जो है मानने वाला बन जा, मुझे मामेकम शरणम, मेरे जो है ना शरण में आ जा, तो मैं तेरे सारे जो है ना दुखों से तुझे जो है ना पाक करूंगा, साफ करूंगा। तो इस तरह जो है धर्म का शब्द जो है ना इस्लाम, इस्लाम जो है ना अमन से है, शांति से है, इस्लाम के माने शांति के हैं, और शांति धर्म जो शांति 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 कहा जाता है वो दरहकीकत इस्लाम की तर्जमानी है। इस्लाम असतो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मूर्तिर माम अमृतम गमयम ओम शांति ही शांति। ओम जो है ना जो अल्लाह की तरफ से आने वाली जो शांति है उसी को अरबी जबान में इस्लाम कहते हैं। ये बड़े बड़े विद्वान जो है इस्लाम के माने शांति, तो हम शांति धर्म कहते हैं, शांति धर्म इस्लाम धर्म है दूसरे माने में। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ना विश्व गुरु बनकर यानी जगत गुरु बनकर, एक हो जगदीश्वरा, एक हो जगदीश्वरा कहने से लोग एक नहीं होते, एक हो जगदीश्वरा के बाद एक हो जगत गुरु, यानी सारे जगत का गुरु भी एक होना चाहिए। हर एक धर्म का अगर गुरु है तो वो अपने ही धर्म के सिद्धांत बताएगा, लेकिन जब विश्व का गुरु है, सारे जगत का गुरु है, तो वो जगत का गुरु सारे जगत के इंसानों के लिए एक रास्ता बताएगा, एक जो है ना राह दिखाएगा। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला गोरा अमीर गरीब किसी का भेद नहीं रखे, आप आते ही सारे इंसानों को चाहे जो है ना गुलाम हो, गुलामों को भी अपने उम्मत में दाखिल करें। ये जो है इस्लाम के पहले ऐसा नहीं था। खुद ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बनी इसराइल की एक औरत जो है ना जो केनान से एक औरत आई, अरब औरत थी, तो वो कहती है कि मैं ईसाई तेरा मजहब बनी इसराइल के मजहब को कबूल करूंगी, ईसाई बनूंगी, तो वो कहते हैं कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता।
यानी जो है कि मेरा जो मेरी जो तालीमात है वो बनी इसराइल के लिए है, वो केनानी औरत है और उसको जो है हम ये इसकी तालीम जो है हम नहीं दे सकते। तो इस वजह से वो औरत को ईसा अलैहिस्सलाम अपने मजहब में दाखिल नहीं करें। और दूसरी जगह लिखा है कि 12 जो हवारी थे ईसा अलैहिस्सलाम के, उनको कहते हैं कि गैर कौमों के पास ना जाना, सामरियों के गांव में कदम ना रखना। सामरिया भी जो है ना अरब था, अरब का रहने वाला था, तो जो है सामरियों के गांव में कदम ना रखना, यानी अरबों को जो है ना हमारा दीन ने समझाना। मैं बनी इसराइल के भटके हुए भेड़ों के लिए आया हूँ, यानी बनी इसराइल के लिए मैं जो है अल्लाह का नबी बन के आया। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाए, दुनिया के हर इंसान को अपने अपने दामन रहमत में लिए, अपने करीब बुलाए, मसील जो है मसील अंबिया बनाए, यानी जो है उनके अंदर वो रूह पैदा करे जो अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर थी। तो इस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगत के गुरु, जगत ऐसे इसके जो है कई हजारों जो है ना प्रमाण है हिंदुस्तान की किताबों में, मुकद्दस किताबों में भी लिखा हुआ है कि जगत गुरु के जो है जो निशानात हैं, जो ब्रह्मकर्ता शिवा सहस्त्र नामसु मृत्युंजया सूक्ष्म तनर जगत व्यापी जगत गुरु, ब्रह्म के हजारों नामों को धारण करने वाला और सूक्ष्म रूप से सारे ब्रह्मांड में भरा हुआ, वही जगत का गुरु है। और श्रीमद भागवत में आता है कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्सः कल की ही प्रादर भविष्यति, यानी जो है कल की अवतार जो आएंगे वो जो है विष्णु यस के माने होते अब्दुल्ला विष्णु यस, और शालमल दीप जो है वो अरबस्तान को शालमल दीप कहा गया है। यहाँ पर वैदिक सिद्धांत में सप्त दीप सात जो है ना खंड पूरी दुनिया को जो है ना तकसीम किया गया था, बांटा गया था, उसमें हमारे इस भारत का नाम जम्बू द्वीप था, अफ्रीका का नाम कुश द्वीप था, इंग्लैंड का नाम पुष्करम द्वीप था, अरबस्तान का नाम शालमल द्वीप था। तो शालमल द्वीप, क्रोंश द्वीप, कोमदक द्वीप, कुश द्वीप, जम्बू द्वीप, ये सात जो है ना द्वीपों में तकसीम किया गया था। तो यहाँ पर जो है शालमल जो है ना शालमल द्वीप यानी अरबस्तान, शंबड़ा ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, शंबड़ा ग्राम जो है जहां पर सहरा हो, पानी ना हो, वैसे जगह पानी का जो ना जारी हो जाना, उसको शंबड़ ग्राम कहा गया। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ये जो है कल्कि अवतार मोहम्मद साहब बहुत मुकद्दस और जो है ना बहुत पायदार जो है ना किताब मुदल्लल किताब लिखे, उसमें ये सारी वजाहत करके बयान करें कि जो हिंदू लोग कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप जो है जगत गुरु सरबरे आलम, सारे आलम के लिए आप जो है ना जगत के गुरु बन के आए। तो ये बेहिसाब दलाल, इसमें बड़े बड़े 25 पंडितों से उन्होंने जो है ना दस्तखत करा के इस किताब की जो है ना तस्दीक करा के इसको प्रूफ करा के उसके बाद जो है शाये करे। बहुत बड़े प्रोफेसर, संस्कृत के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने जो है कल्कि अवतार मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है ये किताब और वैदिक सिद्धांत के मानने वालों को नराशंस अंतिम ऋषि, दो किताबें लिखे डॉक्टर वेद प्रकाश, एक कल्कि अवतार मोहम्मद साहब और दूसरी नराशंस अंतिम ऋषि, के ऋषियों को मानने वाली जो 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 आर्य समाज की जो उनकी जो आस्था है उसके एतबार से उन्होंने जो है कल्कि अवतार यानी नराशंस अंतिम ऋषि किताब लिखे। तो बहरहाल यहाँ पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगत के गुरु इसलिए है कि आप जो है ना सारे अवतारों की तस्दीक करें और सारे अवतारों के मानने वालों का दर्द अपने अपने दिल में रखें। तो अल्लाह का रूल यानी अल्लाह ताला की जो तालीमात को बताने वाले यानी जो कुरान करीम को अमल में पेश करने वाले रूहानी वजूद की जरूरत थी। वैदिक सिद्धांत में सबसे बड़ी जो ना सरदर्दी यही है कि वेद के जो माने हैं, वेद के माने हर कोई अपने अपने तौर पे अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग जो है ना सनातनियों का अलग है, आर्य समाजों का अलग है, फिर सनातन धर्म में जो है शंकराचार्य का अलग है, मध्वाचार्य का अलग है, रामानुजाचार्य का अलग है, फिर उसमें जो है वामार्गियों का वेद भाषा अलग है, ये अलग अलग जो है ना भाषाएं करते हैं, क्योंकि आप जो है ना क्योंकि वहां पर सिर्फ शब्द है, उस पर अमल करने वाला कोई जो है ना रूल मॉडल इनके पास नहीं है। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कुरान करीम का रूल मॉडल जो है अमली जो है ना वजूद, वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। आप कुरान पाक को अमल जो है ना अमल मिलाकर दिखाए कि ईमान किसको कहते हैं, नमाज किसको कहते हैं, ज़कात किसको कहते हैं, रोजा किसको कहते हैं, अदल व इंसाफ किसको कहते हैं, ये सारे चीजें आप अपने अमल से करके दिखाए कि इसका नाम जो है, वरना सलात के माने कुरान करीम में सलात के बहुत से माने होते हैं, अब अलग जो है ना एक फिरके वाले एक माने, एक फिरके वाले एक माने लेके आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूल मॉडल बनाते हैं, आप जो है कुरान करीम की अमली जो है ना तफसीर या अमली जो है ना वजूद जब आपको तस्लीम करते हैं, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ना चाहिए,
रकातें कैसे होने चाहिए, अजकार कैसे होने चाहिए, रोजा किस तरह रखना चाहिए, इसमें जो है कुरान करीम का हूबहू जो है अमल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाए आपकी जात में नजर आता है। लेकिन वेदों के अंदर ऐसा नहीं, वेद के ऋषि जो है उसका भाष नहीं करें कि इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इसको जो है ना किस तरह अमल किया जाए, सिर्फ जो है ना उनकी जुबान से जो बातें निकली वो लोगों के अंदर जो है वो फैला दिए। और वेद तो जो है पहले तो किताबों में वेद था ही नहीं, वेद जो है ना जुबानों पे वेद था, उसको श्रुति वाणी सुन सुन के लोग याद करते थे। जब पेपर आया, जब जो है ना पेपर में छापना शुरू करे, पेपर में भी छापना शुरू कर तो छुपा के रखने लगे, दूसरे लोगों को देते नहीं थे। इस वजह से आज भी इतने जो है इसके जो है ना तशहीर के दौर में, मतलब इतना जो है ना पब्लिश होने वाले किताबें, ऐसे जमाने में वेद को छुपा के रखते, कहीं आपको जो है ना वेद जो है ना दुकानों पे मिलता नहीं। बड़े बड़े जो है ना सिटियों को जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ेगा, बरेली जाना पड़ेगा, या जो है ना गुजरात जाना पड़ेगा, जामनगर जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो है ना बड़े बड़े इलाकों में जाकर या बड़े सिटियों में जाकर वेद जो है ना वेद जो है ना हासिल करना पड़ता है। लेकिन कुरान पाक हर जगह, हर छोटे से छोटे गांव में, देहात में, बल्कि जंगल में भी अगर किसी का मुसलमान का घर है तो वहां भी कुरान करीम मिल सकता है। ये जो है कुरान करीम की अजमत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान अजमत है कि आपने जो है हर चीज को खोल के लोगों के सामने बता दिए, समझा दिए। तो इस तरह जो है ना वेदों के अंदर जो 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 है जो बातें आई है उस पर अमली तौर पर कोई करके दिखाने वाला कोई मुत्तफिका जो है ना वजूद नजर नहीं आता। इस वजह से कोई अहम ब्रह्मास्मि, जैसे शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट निकाले वेदों से, अब इसके विरोध हैं आर्य समाजी सख्त, और बल्कि जो है जो मध्वाचार्य के मानने वाले लोग हैं वो भी जो है ये शंकराचार्यों के खिलाफ है। कोई द्वैत कहते हैं, कोई अद्वैत कहते हैं, कोई विशिष्टाद्वैत कहते हैं, अलग अलग जो है ना इनके सिद्धांत है वैदिक जो है, मगर जो है हुजूर इस्लाम के बाद इस्लाम में भी 72 फिरके हैं, लेकिन सबका जो है ना इत्तेफाक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे है। आपका जब वजूद जो है अमली तौर पर प्रूफ हो गया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे का मतलब ये बताएं, तो सारे फिरके एक हो जाते हैं। ऐसा कोई हिंदू जो है ना संस्कृति में ऐसा नजर नहीं आता कि एक जगह ठहर कर सारे जो है हिंदू इकट्ठा होकर वेद के ही मानने वाले सब जो है ना एक वजूद पे मुत्तफिक हो, कोई जो है ना मुत्तफिक नहीं होता। तो बहरहाल एको जगतगुरु के साथ, एको जगदीश्वर के साथ एको जगतगुरु का होना जरूरी है, वो सारे जगत के लोगों को एक करने के लिए, एक मॉडल जो है ना बताने के लिए और एक तरीकेकार बताने के लिए एक वजूद की जरूरत है। उसकी पैरवी सब करें तो उसके बाद जो है कुल आमना बिलाह व मानजिला अलैना, उसके बाद व मानजिला अला इब्राहिम व इस्माइल, इब्राहिम इस्माइल सारे नबियों को माने और सारे नबियों की तालीमात को जो है ना तस्लीम करें कि उनकी जो तालीमात थे बिल्कुल बरहक थे और आज जो है वो असली हालत में नहीं है। इसलिए कुरान करीम उसको एसेंस के तौर पर अपने अंदर जो है ना वो सारे तालीमात को ले लिया है। कुरान करीम तमाम किताबों का मजमा है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों का मजमा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे हैं। तो इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम को मानना और जो है उनकी लाई हुई किताबों को मानना और जो है सब मिलकर, और एक बात इसमें यह भी है के सारे नबियों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करते हैं बाद लोग, ये नहीं कि जगत गुरु अलग है और जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम एक एक इलाके के लिए वलीकुल कौमिन हाद मूसा अली कौम ही ईसा अली, एक एक कौम में आने वाले नबियों का जो है ना अलग अलग मकाम है और सारे नबियों के जो सरदार हैं उनका अलग मकाम है। जिस तरह सूरज में भी रोशनी है, तारों में भी रोशनी है, लेकिन सूरज और तारों में जमीन और आसमान का फर्क है। सूरज की रोशनी से अंधेरा जो है ना खत्म हो जाता है दुनिया का, लेकिन तारों की रोशनी से अंधेरा नहीं खत्म होता। थोड़े जो है ना अंधेरी रात में थोड़ा सा काम देते हैं, पूरी दुनिया को रोशन नहीं कर सकते तारे। तो इस तरह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजा मुनीरा बनके या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा व दाईयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजा मुनीरा, आप दाई हैं और सिराजा मुनीर यानी सारी दुनिया को रोशन करने वाले सूरज है। आप आने के बाद सारी दुनिया की जुल्मतें जो है वो खत्म। इसीलिए इस्लाम दुनिया के अंदर जितना तेजी से फैलता है, इस्लाम को जितना लोग तस्लीम करते हैं, इस्लाम के अंदर जितना सुकून और इत्मीनान है, दूसरे किसी जो है ना मजहब के अंदर इतना इत्मीनान और सुकून और इत्मीनान नजर नहीं आता। बड़े बड़े हिंदू पंडित आचार्य वेद पढ़ने वाले, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो इस्लाम से मुतासिर हो जाते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है ना आचार्य कुरान जब पढ़ने के बाद उनका नजरिया बदल गया, जैसे हाल में जो है एक लक्ष्मीनारायण शंकराचार्य, ऐसे तो कई पंडित हैं, कई जो लोग हैं, लेकिन
नमूने के तौर पर आज दुनिया के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना मशहूर है कि लक्ष्मी नारायण शंकराचार्य वो कुरान के खिलाफ जो है ना किताब लिखे। इस्लाम एक आतंक है, इस्लाम आतंकी मजहब है, इस्लाम दहशतगर्द मजहब है, टेररिज्म है इस्लाम। लेकिन जब उनको कुरान पढ़ने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने के लिए उनको जो है जब कहा गया, जब वो सीरत पढ़े हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कुरान, क्योंकि कुरान नहीं पढ़े थे, सिर्फ सुन सुनाई बातों पर इस्लाम के खिलाफ किताब लिख दिया। आज बहुत से लोग जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते वो इस्लाम की बुनियादी बातों को नहीं पढ़ते कि इस्लाम कितना एहसान करने वाला मजहब है, इंसानियत का कितना दर्द रखने वाला मजहब है, ये देखते नहीं। बल्कि लोगों की जो है आज, या अंग्रेजों का, या अमेरिका जो जैसे लंदन वाले आकर जो है गॉड इज नथिंग दैट इज वन पावर, खुदा की दहरियत फैलाए और आपस में इस्लाम को और गैर कौमों को जो है दुश्मन बना के आपस में लड़ा। हिंदुस्तान में खुद जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए डिवाइड पॉलिसी जो है ये अंग्रेजों की दहली हुई पॉलिसी है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो और जो ना रूलिंग करो, हुकूमत करो। आज लोग जो ना इसी पर, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर आज जो ना फसाद फैला के हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं। खुद हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो फसाद है, हिंदू मुसलमानों के जो झगड़े है, ये महज जो है ना अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को जो है ना डेवलप करने के लिए मुसलमानों को बुरा कर देते हैं, कुरान करीम को बुरा कर देते हैं। हालांकि कुरान करीम में क्या लिखा हुआ है, बड़े बड़े जो है यहाँ के गांधी जी कहते हैं, गांधी जी जो है कुरान करीम को पढ़ते थे, कुरान पढ़ने का आदेश देते थे गांधी जी। और कई ऐसे जो है यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर कुरान के बहुत बड़े अध्ययन करने वाले थे, कुरान को बहुत पढ़ते थे। और डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि गीता में है कुरान तो कुरान में है गीता। और जो है कुरान करीम के अंदर जो बातें हैं वो बातें जो है ना गीता के अंदर लिखी हुई हैं। ऐसे जो है आस्था की, भक्ति की, प्रेम की जो बातें हैं वो लोग पढ़ते हैं। तो जब ये लक्ष्मीनारायण शंकराचार्य जब कुरान पढ़े, सीरत पढ़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने बोले कि मैं एक अमन की जो है ना दाई को, सारी दुनिया के एक अमन के देवता, उनको जो है ना मैं टेररिस्ट बोल दिया। ऐसा मजहब जो इस्लाम, जो सारी दुनिया में अमन कायम करने के लिए, उसको मैं आतंक मजहब बोल दिया। तो उन्होंने अपना नजरिया बदल दिया। फिर जो है उन्होंने लिखा, इस्लाम एक आदर्श है, इस्लाम एक मिसाली दीन है, सारी दुनिया के लिए एक नमूना है इस्लाम। और जगह जगह जहां पर जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं उनको जाकर इस्लाम के कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर जो है ना जवाब देते हैं। तो कुरान जो है साफ दिल से पढ़ने वाले लोग नहीं है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को साफ दिल से पढ़ने वाले लोग नहीं है। अगर साफ दिल से पढ़ेंगे तो इस्लाम के जैसा मजहब दुनिया में जो है ना कोई मजहब नहीं है जो सारे इंसानों का दर्द रखता हो, सारे अवतारों का दर्द रखता हो, सारे ऋषियों का जो है ना दर्द अपने अंदर रखता हो। हर सच्चे इंसान की तस्दीक करने वाला कुरान पाक है, हर सच्चे इंसान की, चाहे राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्धा हो, या जो है यहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, व्यास महर्षि हो, ऐसे लोगों के अंदर जो सत्य की भावना थी, सच्चाई के लिए अपने जो है जीवन को त्याग करें, ऐसे लोगों की जो है कुरान करीम तस्दीक करता है। कुरान पाक जो है ना उनकी जो है ना उनके नेकियों को जो है ना कबूल करता है कि ऐसे लोगों को। इस वास्ते यहाँ पर, क्योंकि हिंदुओं के मजहब को नहीं जानते थे, तो मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद्रशेखर साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़, आप जो है ना वेदों का अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके, राम का, कृष्ण का, ये सारे अवतारों का जो है ना अध्ययन करने के बाद, इनके अंदर जो सच्चाई, जो सदाकत थी, इसको सामने रखते हुए आप जो है ना फरमाते हैं कि सर्व अवतार सत्यः, सारे अवतार जो है ना वो सच्चे हैं, और सब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी है। जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, या जितने भी अवतार, इशारतन किनातन, उन्होंने कल्कि अवतार अंतिम ऋषि नराशंस हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणी दी, तौहीद की तालीम दिए, और नाम मोहम्मद जो है यहाँ के किताबों के अंदर लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, तस्मिनंतर मिले चाचरण समन्विता, मोहम्मद इतख्याता शिष्या का समन्विता, ऐसे कई जगहों पर, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिरों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पंजाब में जो है बाबा गुरु नानक का जो है वहां पर गुरुद्वारा, डेरे बाबा नानक, वहां पर एक जो है ना झुब्बा हजरत बाबा नानक का रखा हुआ है, जिसमें पूरे कलमे तैयबा, सूरह आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा, कुल का सूरह, तमाम जो है तीन कुल के सूरह, ये सारे जो है आपके जिब्बे मुबारक पर लिखे हुए हैं, आपकी किताब में इस्लाम का तस्करा लिखा हुआ है। इससे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो है कर्नाटक में कई मंदिरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे तैयबा लाल मुरसला लिखा हुआ है, श्रृंगेरी शंकराचार्य के मठ में लिखा हुआ है, इसी तरह जो है कड़गंज मृणालद सांप्रदायिक मठ में लिखा हुआ है, तीन तीन मौनेश्वर के मठ में लिखा हुआ है,
ऐसे जो है कई मठ में चित्तल नृसिंह सिंहासन मठ में लिखा हुआ है, वर्भी मनीषर के मठ में लिखा है, कपल से सपा के मठ में लिखा हुआ है, कई मठा में मंदिरों में जो है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये जो है सच्चे लोग थे, नेक थे, इस्लाम की तरफ जो है ना बुलाते थे, उनकी जो है ना बातों को तस्लीम करना, उनके बातों को मानना मुसलमानों को जो है ये जो है ना जरूरी है कि उनके जो है ना बुजुर्गों का एहतराम करें, उनके बुजुर्गों की जो है ना तारीफ करें और उनकी जो है ना ताजीम करते हुए उनके सामने इस्लाम की बात को पेश करें। अगर हम जो है ना सामने वाले को थप्पड़ मारकर मोहब्बत की मीठी बात अगर मुंह से करेंगे, हाथ से थप्पड़ मारेंगे, तो कैसे जो है ना मोहब्बत पैदा, हाथ जो है ना दो हाथ से ताली बजती है। उल्फत और मोहब्बत जो है ना दो तरफा होती है, एक तरफा जो है ना नफरत हो और दूसरी तरफ मोहब्बत हो तो वो जिंदगी जो है ना नहीं चल सकती। इसलिए जो है उल्फत का जब मजाक के हो दोनों बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ जो है ना उल्फत और मोहब्बत की आग जो है ना बराबर लगी भी होना चाहिए, तभी जो है अमन अमान कायम हो सकता है। तो यहाँ पर अम्बिया अलैहिस्सलाम का मकाम और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, इसको जो है मानने की तस्लीम करने की जरूरत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी दुनिया के लोगों को एक करे, सारे नबियों की जो है ना आस्थाओं को माने और सारे नबियों की किताब, बाद लोग ये भी कहते हैं कि नबी को मानते हैं या नबी के मानते हैं, मतलब जो है ना जो अवतार को मानते हैं या अवतार की मानते हैं। हम इस्लाम जो है ना अवतार को भी मानता है, अवतार की भी मानता है, उनकी जो सच्ची तालीमात है उसकी तस्दीक करता है कुरान पाक, रामचंद्र जी की जो सच्चे बातें हैं उस पर भी है ना मुसलमान जो है ना चलते हैं, जैसे जो ना सच बोले, झूठ ना बोले और जो ना धोखा ना दें। रामचंद्र जी सच्चाई के लिए अपने जो है ना राज को त्याग करके वनवास में गए, कितनी बड़ी मिसाल है। और ये जो है आज राम के ही मानने वाले राज के लिए लोगों को जो है ना बर्बादी में और जो ना उनको जो ना बदमनी में और जंगल में ढकेल रहे हैं, मुसीबतों में जो ना मुब्तला कर रहे हैं कुर्सी के लिए, और डिवाइड कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों को, लड़ा रहे हैं। आज सबसे बड़ा लीडर वो समझा जा रहा है, हिंदुओं में अगर सबसे बड़ा लीडर है तो सबसे ज्यादा जो ना मुसलमानों को गालियां दे, सबसे ज्यादा इस्लाम को गालियां दे, और इधर गालियां देकर अपने वोट बढ़ा रहे हैं और लीडर बन रहे हैं, मशहूर हो जा रहे हैं। उनको जो है अपनी सच्चाई सदाकत या जो है ना जनता की सेवा करना, काम करना तो आता नहीं। बोलो जो ना भड़काऊ बयान दो और जो है ना लीडर बन के चमको। मुसलमानों के अंदर भी यही जो है ना, हिंदुओं को बुरा बोलो, हिंदुओं के खिलाफ जो है ना जहर जहर जो है ना उगोलो, अब मुसलमान तालियां बजाएंगे, मुसलमान जो है ना उनको सर पे बिठा लेंगे। इन चीजों से इत्तेहाद और अमन कायम नहीं होता। आप जो है अपने मजहब की तालीम, पाकिजा तालीम को उनके सामने पेश करो, और उनके पास अगर कोई सच्चाई है, सदाकत है, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, गौतम बुद्ध की हो, नरसिम्हा अवतार की हो, इस जो है ना सच्चाई को तस्दीक करते उनकी भी ताजीम करो, उनसे मोहब्बत करो, तभी जो है इंसान जो है इंसानों के दिल साफ हो सकते हैं। वरना आप जो है ना जिस्मों को तो जबरदस्ती से तलवार के या जो है ना कानून के या डंडे के जोर से जिस्मों को एक जगह लाकर खड़ा करेंगे, लेकिन दिलों को नहीं मिला सकते। दिलों को मिलाने के लिए इंतहाई जो है ना इखलास और जो है इनकसारी और मोहब्बत खुलूस होना जरूरी है। इसलिए जो है इस्लाम जो दिल में भी किसी नबी की बुराई जो है ना मुसलमान के दिल में नहीं आती, और क्योंकि कुरान करीम का ये हुक्म जो है आने के बाद कोई मुसलमान इसके खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे मजहब में जैसे हिंदू मजहब में कोई जो है ना फंडामेंटल नहीं है। हिंदू जो है ना, पहली बात तो हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू जो है यहाँ के एक देश का नाम है। हिंदू जो है ना हिंदुस्तान से जो है ना हिंदू बना है, किसी वेद शास्त्र पुराण गीता के अंदर ये शब्द नहीं है। हिंदू धर्म ये भी एक मजबूरी है हिंदुओं की कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म जो बोलते हैं, हिंदू धर्म अगर ना बोले तो जो है ना तमाम हिंदुओं को एक कर ही नहीं सकते। इस वास्ते जो है ये मुसलमानों का दिया हुआ नाम यूज करके अपने आप को जो है ना हिंदू धर्म कह रहे हैं। इधर तो मुसलमानों से सख्त दुश्मनी है और उधर जो है मुसलमान राजाओं का दिया हुआ नाम लेकर अपने मजहब की जो गर्व से कहो हम हिंदू है, लोगों की जो है ना अपने अंदर जो है ना लोगों को इकट्ठा करने के लिए अगर ये हिंदू शब्द को हटा दें तो किसी भी शब्द से सारे जो है हिंदुस्तान के लोगों को वो एक नहीं कर सकते। जैन अगर बोलेंगे तो जैन ही एक हो जाएंगे, ब्राह्मण बोलेंगे ब्राह्मण एक होंगे, वैदिक बोलेंगे वैदिक सिद्धांत के लोग एक होंगे। सारे जो है ना हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए मजबूर है कि हिंदू धर्म बोलने के लिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जो है देश का नाम, देश में रहने वाले जो है वो हिंदी है, हिंदुस्तान के रहने वाले है। इस वजह से ये जो ना फारसी और अरबी का जो है ना मिलावा लफ्ज है हिंदू मजहब, यानी हिंदू हिंदू जो है यहाँ के रहने वालों को हिंदू कहते थे, इसी से हिंदुस्तान। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि मिलाने वाले के दिल में इखलास हो और मोहब्बत हो और जो है सारे नेक लोगों की तस्दीक करें और सब मिलके इबादत करें। वनाहनु लहु मुस्लिमीन में क्या है, हम जो है एक अल्लाह की इबादत करने वाले,
सबको मानने की वजह से हम एक हैं। तो इसका जो है ना, एक होने का सबसे बड़ा निशान क्या है? नमाज। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काफिर और मुस्लिम में सबसे बड़ा फर्क यह है कि फर्क जो है ना नमाज है। नमाज के लिए जब मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो एक हो जाते हैं, ऊंच नीच काला गोरा अगर नमाज से हटे तो एक नजर नहीं आते। नमाज की सफ में खड़े तो चाहे दौलतमंद हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, सब जो ना एक हो जाते हैं। इसको ज्योति रूपम प्रार्थना कहते हैं। ज्योति रूपम प्रार्थना, निराकार प्रार्थना, निराकार जो है ना प्रार्थना परमात्मा की, अल्लाह की जाए। ये जो है श्री रामचंद्र जी की किताब में लिखा हुआ है, श्री राम तत्व बोधामृत में, कि जिस तरह नमाज जो है मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हजारों साल पहले इस नमाज का तरीका जो है रामचंद्र जी अपनी किताबों में बताए। प्रथमम तारकम चैव द्वितीयम दंडम उच्यते, तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओमित्य ज्योतिरूपकम। यानी जो है ज्योति रूप बनकर जो है खुदा को याद करना, तारकम यानी खयाम, रुकू, सजदा, कायदा, ये चारों जहना अरकान यहाँ की जो है किताबों में लिखे हुए हैं निराकार प्रार्थना करने के। तो ये जो है नहनु लहू मुस्लिमीन, यानी जो नहनु लहू मुस्लिमीन जो है हम सब मुस्लिम हैं। तो ये एक जो है ना होकर दिखाने का सबसे बड़ा नमूना क्या है? वो नमाज है। काबतुल्ला में जब जाते हैं सारी दुनिया के मुसलमान तो एक जैसे नजर आते हैं। दूसरा कोई नमूना जो है यहाँ पर एक जो है ना तौहीद का, यानी सारे मुसलमान या सारे इंसान एक होने का नमूना जो है ना किसी इसमें नहीं दिखा सकते आप। काबतुल्ला नमाज एक ऐसी जो है ना निशानी है, एक ऐसा सिंबल है जिसमें जो है हर इंसान के जो है ना गुरूर तकबर हर चीज को जो है ना मिटाया जाता है। जबान एक, हरकत एक, लिबास एक। काबतुल्ला में जब जाते हैं तो सबका लिबास जो है ना एक हो जाता है, सबकी जबान जो है ना एक हो जाती है, सबकी हरकत एक हो जाती है। तो गोया के नहनु लहु मुस्लिमीन कोई ऊंच नीच, ये सबसे बड़ी निशानी है इंसानों के इत्तेहाद की, इंसानों के एक होने की। यहाँ आने के बाद इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर जो जात पात के जो भेदभाव को मिटाने के लिए इस्लाम के अलावा दूसरा ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो इंसानों के दिलों में से ये जो है भेदभाव मिट जाए। आज है 50 साल बल्कि 70 साल हो गए हिंदुस्तान आजाद होकर, लेकिन आज भी जो है लोगों के अंदर जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके मुताबिक जो ऊंची जो है ना जाति के लोग समझे जाते हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो जो है आज भी उनको मोहब्बत की नजर से नहीं देखते। अपने बेटा बेटी लेन देन या अपने जो है ना रिश्तेदार बनाना, उनकी जो है उनके अंदर हालांकि हुकूमत के डंडे के जोर से तो वो खामोश बैठ सकते हैं, लेकिन दिल जो है ना कभी इस बात को नहीं मानते। लेकिन इस्लाम में आने के बाद कोई अगर मुसलमान हो गया तो मुसलमानों में जो है अगर चाहे वो दलित तबके का हो, किसी भी जो है तबके से आया हुआ हो, इस्लाम में आने के बाद उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि अगर उसके अंदर इल्मी सलाहियत पैदा हो तो उसको इमाम बनाया जाता है। वो इमाम बनकर रिश्ते नाते कर सकता है, हर जो है ना खानदान के कबीले के लोगों से जो ना अपना रिश्ता कर, सैयद हो, शेख हो, मुगल हो, पठान हो, हर किसी से रिश्ता कर सकता है। तो इसके लिए एक दायरा होना जरूरी है। लोग ये कहते हैं कि भाई जब जो है ना हम एक हैं तो आप जो है ना हिंदुओं को बेटी दो, हिंदू मुसलमानों को बेटी दो, तो ये चीज जो है मजहब के दायरे को तोड़कर जो है कभी भी अमन इत्तेहाद नहीं कायम किया जा सकता। मजहब का एक दायरा होना चाहिए, दायरा होने के बाद उसमें ऐसे उसूल होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमन यब्तगी गैर अल-इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु वहुवा फिल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। इस्लाम आने के बाद इस्लाम एक दायरा, एक कानून, जैसे हम देश चलाने के लिए एक जो है ना दायरा बनाते हैं, बगैर दायरा बनाए के आप जो है ना अदल इंसाफ कायम नहीं कर सकते। तो कुरान जो है ना एक दायरा बनाया, उसको नाम दिया इस्लाम का, मुस्लिम का। आप इस्लाम में आने के बाद आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन ब्राह्मणिज्म में ऐसा नहीं है, ब्राह्मण किसी को बनाया नहीं जाता, यहूदी किसी को बनाया नहीं जाता, और जो है ना अपने अपने अंदर किसी को दाखिल कराया ही नहीं जाता। लेकिन इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान है, चाहे वो नीच जात का हो या ऊंच जात का हो, इस्लाम में सबके लिए जो है ना दरवाजा खुला हुआ है। और इस्लाम में आने के बाद जो अमल करके आगे बढ़ा वही जो है ना हमारा इमाम है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, तुम्हें सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नेक हो, सत्यवादी हो, सत्य बोलने वाला हो, सच्चाई के रास्ते पर सच जो है ना बात बताने वाला, अमल करने वाला हो। तो ये चीज है इस्लाम कायम करने के लिए। श्री वमई अब तक इस्लाम दीनन फलेन, ऐसे जो है जामे उसूल आने के बाद अगर कोई अलग जो है ना टोला बनाकर, अलग जो है अपना दायरा बनाकर लोगों को जो है ना जोड़ने की कोशिश करता है तो वो घाटे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। तो इस बात अल्लाह ताला बयान हुआ, कैफ यहदिल्लाहु कौमन कफर बाद ईमानिहिम व शहीद अन्न रसूल हक्कुन व जाहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। एक बात अल्लाह ताला यहाँ पर बयान फरमाया कि जो अल्लाह ताला नबियों को कह रहा था कि वही ज़ख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ुन नबीन, तुम सब जो है
ईमान लाओ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक नबी आएंगे जब उन पर तुमको सबको ईमान लाना पड़ेगा और उनके दीन की मदद करनी होगी। तो अब अल्लाह ताला ये जो है ना खाली ऐलान ही नहीं रखा बल्कि उसका अमली जो है ना पहलू भी बताया कि जब सहाबा इकराम की सूरत में वो तमाम अंबिया कैफ यहदिल्लाह कौमन कफर बादा ईमान, अल्लाह वो काफिर कौम को कैसे हिदायत देगा उनके ईमान के बाद। उनके ईमान के बाद से जो है बहुत से लोग अलग अलग जो है ना इसकी तफसीरें करें, उनके ईमान के बाद मतलब जो है उनमें से जो नेक लोग थे वो ईमान लाकर मसीले अंबिया कहलाए, अंबिया अलैहिस्सलाम तस्दीक करें कि हम जरूर ईमान लाएंगे और जरूर मदद करेंगे। वो जरूर ईमान लाकर मदद करने की जो सूरत है, एक तो जो है मैं गुज़िश्ता दर्स में बताया कि शबे मेराज में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले गए, 1,24,000 नबियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर आप जो है नमाज पढ़े, ये ईमान लाने की रूहानी दलील है। और जिस्मानी एतबार से 1,24,000 का मजमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरतुल विदा आखिरी जो है ना खुतबा दे रहे थे उस वक्त 1,24,000 सहाबा का मजमा था। वो 1,24,000 सहाबा दलालत करते हैं कि 1,24,000 नबियों के मसील है। यौम कुल्लु अंबिया यौम जिन तहता लिवाय, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे नबिया मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। तो ये जो है एक बार दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौजूदगी में ये नमूना बता दिया कि जिस तरह अंबिया अलैहि सलाम 1,24,000 है वह सब मेरे उम्मत में आकर यहाँ पर मेरे झंडे के लिए मेरे लिबा के नीचे खड़े हो। तो ये ईमान लाए। तो अब उन लोगों को अल्लाह कह रहा है कि जब वो लोग जो अंबिया अलैहि सलाम जो है ईमान लाने का वादा कर रहे थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो ईमान लाए, आपकी पैरवी करें, आपके दीन को कबूल करें, दीन की मदद करें, आप जो है इनके ईमान के बाद उन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो आड़ के बैठे हुए ईमान लाना नहीं चाहता, इस्लाम की तरफ आना नहीं चाहते। तो ये ईमान जो है ना लाने का सिर्फ वादा ही नहीं, वादा वफा करने का भी जिक्र अल्लाह ताला कुरान करीम में बयान फरमा दिया, कैफ यहदिल्लाह कौमन कफरू बादा ईमानिहिम व शहीदु अन्न रसूल हक्कुन, और उन्होंने शहादत दी। कौन शहादत दिए? सहाबा इकराम अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। अब जो तमाम सहाबा जो मसीले अंबिया बने, जिनको देखना नबियों को देखना था, जिनका अमल नबियों का अमल था, और उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल वारिस अंबिया बनकर सहाबा इकराम का जो है ना साथ दिया, मसीले अंबिया बनकर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मदद करें, ऐसे बाविखार वजूद, ऐसे बड़े बड़े जो है रूहानी वजूद वो ईमान लाए, अब जो लोग आके बैठे हैं तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इनको कैसे हिदायत होगी जबकि ऐसे बड़े जो है उनके अंदर से जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम बहुत बड़े जो ना यहूदी जो ना आलिम थे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए, ऐसे बड़े जिम्मेदार लोग जो है जब ईमान लेके आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने तो जो है ना तुम कैसे हिदायत पाएंगे। और वो कहे कि जो है अन्न रसूल हक़ुन, ये रसूल हक है, वो जाहुमुल बयनात और नशानात और बयनात के साथ आए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशानात देखकर, आपके सारे जो है ना औसाफ को देखकर बड़े बड़े सहाबा जो है ईमान में दाखिल हुए। हज़रत अबू ज़र्र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नशाना तो बयनात देकर इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, आप जो है ना तहकीकात करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशानात को देखकर आप ईमान जो है ईमान लेके, ऐसे कई सहाबा अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, और ऐसे बहुत जो है लोग सहाबा इकराम ईमान जो है ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा साथ दिए। तो ऐसे बाविकार वजूद इल्म वाले और जो है ना रूहानी जो है को समझने वाले ऐसे जो है ईमान लेके आए, और उनके बाद जो है अल्लाह ताला उस कौम को कैसे हिदायत देगा। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को अल्लाह ताला जो है हिदायत नहीं करता, मतलब इतने बड़े बड़े बाविकार लोग जो है इस्लाम में दाखिल हुए उनको ही जो है ना दीवाने बोल देना, उनको ही पागल बोल देना, उनको ही जो है ना दुनिया के अंदर जो है ना हक से हटे हुए है इल्ज़ाम लगा देना, ये चीज़ जो है हमेशा नबियों के साथ ऐसा, तो हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही हुआ। बड़े बड़े जो है ना ऋषि मुनि और यहाँ के बड़े बड़े आचारी इस्लाम में दाखिल होते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते, लेकिन चंद जाहिल लोग जो है अपने अपने उस पर जहालत पे अड़े रहने वाले वो जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है ना जहर फैलाते हैं। वरना अगर तहकीकी नज़र से देखेंगे तो यहाँ के बहुत बड़े बड़े जैसे शरण सूफी संत, यहाँ के जैसे बाबा नानक हैं, इस्लाम की जो है ना तस्दीक करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं, आप जो है ना मक्का जाके हज करके आते हैं। ऐसा जो है बसवेश्वर कर्नाटक के अंदर बहुत बड़े जो है ना बसवेश्वर लिंगायतों के सरदार, आप जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, आपका कलमा जो है ना पढ़ते हैं, अल्लाह इंद्रे प्रभु अल्लाह मोहम्मद अम्बसवा सलाम मड़े पुद्र वाला पूरी है। ऐसे कई जो है यहाँ के अगर
शरणों का, संतों का अगर इतिहास देखेंगे तो इस्लाम की तस्दीक करे, तौहीद की जो है ना तालीम को कबूल करे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को कबूल करे। इसी वजह से तो यहाँ के कसरत से यहाँ की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मिलती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक मिलता है। तो बहरहाल जो है ऐसे मुबारक और बाबरकत जो ना लोग इस्लाम में दाखिल होने के बाद उन लोगों को अल्लाह कैसे हिदायत देगा जो जो है इस्लाम के खिलाफ जो है ना जहर फैला रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ अड़ के बैठे हुए। ज़रा अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता करे और इन उसूलों को समझते हुए दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। बारक अल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयति ज़िक्रिल हकीम इन्नहु ताला जव्वादुल करीमुल मुल्कुल गफ्फारुल हलीम सुभान रब्बिकल रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाह।